वेलकम टू सेना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ईजीआर इंग्लिश ट्रेनिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉक टीचिंग का। देखिए एवोल्यूशन दिया गया है, आज हम ये एवोल्यूशन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले असेसमेंट नहीं सॉल्व किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट है उसका नाम है टीचर्स ट्रेनिंग, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आने वाले असेसमेंट सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्टिविटी इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग। इसके ऑप्शंस है फिजिकल एक्शन, दूसरा है मेंटल एक्शन, तीसरा है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर सही है वो है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडियल टाइम फॉर मैक्रो एंड माइक्रो टीचिंग रेस्पेक्टिवली आर। इसके ऑप्शंस है 40 मिनट एंड 10 मिनट, दूसरा है 20 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, तीसरा है 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स और लास्ट है 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। तो इसका जो आंसर सही है वो है 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसके ऑप्शन है प्लान टीच फीडबैक रीप्लान, दूसरा है टीच प्लान फीडबैक रीप्लान, तीसरा है फीडबैक प्लान टीच रीप्लान और लास्ट है रीप्लान टीच फीडबैक प्लान। तो इसका जो आंसर सही है वो है प्लान टीच फीडबैक रिप्लान। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज नॉट अ कोर स्किल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन है इसके स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, दूसरा है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तीसरा है बोथ ए एंड बी और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर सही है वो है ए एंड बी। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इट डेवलप कॉन्फिडेंस, दूसरा इट हेल्प इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, तीसरा है डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर सही है वो है डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन है इसके प्रोवाइडिंग लर्नर एबिलिटी टू लर्न एफिशिएंटली, दूसरा है डेवलप इन एनवायरनमेंट फॉर बेटर लर्निंग, तीसरा है प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग फॉर टफ टॉपिक, लास्ट है इट विल नॉट हेल्प ऑन टाइम एंड टास्क कॉन्सेप्ट। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है इट विल नॉट हेल्प ऑन टाइम एंड टास्क कॉन्सेप्ट। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग ओरिजिन्स फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। ऑप्शन है इसके 1960, दूसरा है 1963, तीसरा है 1900 और लास्ट है 1925। तो इसका जो आंसर सही है वो है 1963। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हेरिस्टिक मीन। ऑप्शन है इसके टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा है टू शो, तीसरा है टू डू और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर सही है वो है टू इन्वेस्टिगेट। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द गोल ऑफ टीचिंग इज डैश। हम इस डैश में क्या फिल करने वाले हैं। तो देखिए टू गिव इन्फॉर्मेशन, दूसरा है टू इन्वॉल्व पीपल इन एक्शन, तीसरा है टू इम्पार्ट नॉलेज और लास्ट है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन है इसके स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशन, दूसरा है पावलो कंडीशनल रिस्पॉन्स, तीसरा है बोथ ए एंड बी और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा स्कोर 10 out of 10 हो गया है। इसका मतलब कि हमने सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।